Hello students, how are you? In the previous chapter we learned about plants, right? पिछले चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा ना। अब हम लोग जो है प्लांट से जो हमें फूड मिलता है, राइट? उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाला खाना। ओके, वेल तो इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे प्लांट से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो मिलते हैं उनको जानेंगे। हम ये बता पाएंगे कि सीरियल्स और पल्सेस क्या हैं, और इसके अलावा जो है आप एक वेजिटेबल सैलेड बनाना भी आप सीखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये पढ़ना सीखें, वी हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ यू नो लाइक अ सेट ऑफ पिक्चर्स हियर। यहाँ पर पिक्चर्स का एक सेट है ना, आपको इसमें से क्या करना है, तो जो जो खाना आपको पसंद है उसके आगे आपको टिक लगाना है, राइट? और उसके बाद जो है आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको जो है इन लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करके एक वर्ड बनाना है जिससे कि हमें ये सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अनस्क्रैम्बल करने का मतलब क्या हुआ कि आपको इन लेटर्स को सही तरीके से अरेंज करना है ताकि ये एक नया वर्ड बना सके। ओके ओके सो ये अरेंज करके क्या बनेगा, तो PLANTS, प्लांट्स, राइट? सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स हमारे लिए काफी यूजफुल हैं, काफी उपयोगी हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। ज्यादातर जो हमारा खाना होता है वो प्लांट्स से ही आता है। तो ऐसे ही फूड के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट सच कैटेगरी ऑफ फूड इज सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं, द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज व्हीट, राइस, मेज एंड रागी आर कॉल्ड सीरियल्स। तो गेहूं, चावल, मक्का, रागी, जिसे अपने यहाँ जो है मरुआ भी कहते हैं, तो इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, इन प्लांट्स के जो बीज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीरियल्स। तो व्हीट पहचानते ही हैं आप लोग, राइस पहचानते ही हैं, मेज पहचानते ही हैं आप लोग। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए बच्चों, सीरियल्स के। नेक्स्ट इज पल्सेस। सो सीड्स सच एज पीज, क्रैम्स, बीन्स एंड दाल्स आर कॉल्ड पल्सेस। ओके, तो पीस, ग्राम्स यानी कि चना, बीन्स और दाल वगैरह जो है इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पल्सेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ग्राम का पिक्चर आपने देखा, चना, ये किडनी बीन्स हो गया, इसको कि अपने यहाँ राजमा भी कहते हैं। ये पीज हो गया ना, मटर का दाना, है ना? चलिए अब आपको जो है यहाँ पर इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। मेज एंड राइस आर सीरियल्स, दाल्स एंड पीज आर पल्सेस, राइट? देखिए सीरियल्स और पल्सेस के अलावा हमें प्लांट से और क्या क्या मिलता है, वेल फ्रूट्स। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। लाइक एप्पल, मैंगो, पाइन एप्पल, ऑरेंज, पियर, ये सारे फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, है ना? आपको पता है स्ट्रॉबेरी जो है इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 सीड्स होते हैं। ग्रेट, तो फ्रूट्स के बाद हमें प्लांट से और क्या मिलता है, वेजिटेबल्स। वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से ही वेजिटेबल भी प्राप्त करते हैं, सब्जियां भी प्राप्त करते हैं। तो ये सारे वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स हैं ना, पोटैटो, कैप्सिकम, इसका क्या नाम है अपने यहाँ, किसी को पता है बढ़िया से? कैप्सिकम को क्या कहते हैं, शिमला मिर्च, राइट? अनियन वेजिटेबल, अनियन हो गया ना ये, प्याज, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पहचानते ही हैं सबको।
इसके अलावा टी कॉफी एंड सुगर आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो इसके अलावा जो है चाय कॉफी चीनी ये सब भी हमें किस चीज से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है। जैसे कि यहाँ पर सुगर केन है तो गन्ना से क्या मिलता है? चीनी। कॉफी के जो सीड्स होते हैं उनसे बनता है हमारा कॉफी का पाउडर, और यहाँ पर हो गया आपका टी। और हाँ एक और बात कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहां पर जो चाय उगाई जाती है ना वो पूरी दुनिया में फेमस है, सब उसे जानते हैं। सो लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी लर्नड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, राइट? हमें जो है प्लांट से फूड मिलता है। ये फूड जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स टी कॉफी एंड सुगर। सीरियल्स में क्या सब है एग्जाम्पल? जैसे कि गेहूं मक्का चावल, ये सब सीरियल्स के एग्जाम्पल हो गए। पल्सेज में जो है बीन्स ग्राम्स, ये सब जो है पल्सेज के एग्जाम्पल्स हो गए। फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं एप्पल्स पियर्स, और भी फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटोज अनियंस, और इसके अलावा टी कॉफी सुगर, ये सब हमें प्लांट्स से मिलते हैं। सो वेल दैट वॉज इट अबाउट दिस चैप्टर। In the next session, we will just, you know, like discuss the chapter and activities. Okay, bye bye.